गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हमने एलजी के कुछ बैट्स की अनबॉक्सिंग करी थी, पार्ट वन बनाया था, एक बॉक्स रह गया था, तो इसकी भी जल्दी से मैं अनबॉक्सिंग करूंगा आपके लिए और जल्दी से बैट्स को रिव्यू करूंगा। ये देखिए दोस्तों, वो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है एचपी आइकन इंग्लिश विलो बैट है, हार्दिक पांड्या। वाओ, लुक एट द प्रोफाइल। मुझे पर्टिकुलरली ये भरे हुए प्रोफाइल बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली जिनमें वेट जो है, जो विलो का है, जो मीट है, वो अच्छे से भरा होता है। सो सेम इसमें ये बिल्कुल भी कॉन्केव नहीं है। आप यहाँ से देखिए, आपको अंदाजा होगा। इसका प्राइस भी देख लीजिए। अब ये बैट 25,000 का हो गया है, 24999। और ग्रेन देख लीजिए, फेस देख लीजिए, एक हार्टवुड का एक लाइन है इसमें, जो कि आपके आउटसाइड एज पे आएगा, मतलब ये बाहर वाली साइड पे आएगा। और ग्रेन्स की बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रेन्स है इस बैट में। पंच, वाओ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पंच है। टो में भी जाना है और ऊपर की तरफ भी साउंड अच्छा आ रहा है। और अगर मैं इसकी वेट की बात करूँ तो मुझे हैवी बैट लग रहा है ये, पिकअप इसका हैवी लग रहा है। 1190 ग्राम में, 1190 ग्राम इस बैट का वेट है दोस्तों। अगले बैट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट बैट दिखाऊं, उससे पहले आप साहिल सचिन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है डिजी क्रिकेट, फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट बैट भी अगेन हार्दिक पांड्या का है, बट इसमें उतना भरा हुआ या उतना उठा हुआ स्पाइन नहीं है जितना मैंने पहले बैट दिखाया है, बट फुल प्रोफाइल है, कॉनकेविंग इसमें भी नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं, टो हल्का सा एज कम्पेयर टू उस बैट के कंपेरेटिवली पतला है, बट फुल प्रोफाइल है, पिकअप अच्छा है बैट का। फेस देखिए बैट का, एक वाटर मार्क है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट इस वाटर मार्क से इसकी परफॉर्मेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं वाटर मार्क पे ले रहा हूँ पंच, आप ध्यान से देखिए, कहीं भी मैं बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा। प्राइस बिल्कुल सेम है इसका, 2499। नेक्स्ट बैट KLR अल्टीमेट। अभी KLR ने रिसेंटली एशिया कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और दे भी रहे हैं। ये देखिए अगेन भरा हुआ बैट है मीट से और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट, कॉन्केविंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ इस बैट को, तो ऐसे लगेगा ये बैट बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कि स्पाइन पूरे बैट का पे ही स्पाइन का इसका स्प्रेड है। फिर देखिए बैट का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ग्रेन्स हैं इस बैट में। पंच अच्छा है, बहुत अच्छा पंच है, और जब ये नॉक होके रेडी हो जाएगा तो इसका पंच और बेटर हो जाएगा। प्राइस 29399। अगर अब प्राइस भी आसमान को छू रहे हैं बैट्स के। नेक्स्ट बैट है सेम KLR अल्टीमेट। फेस देखिए, मिक्सचर ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड है। ग्रेन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ग्रेन्स हैं। हल्की सी कॉन्केविंग है बैट में और प्राइस सेम है जैसा मैंने बताया आपको। इसका वेट चेक करते हैं, मुझे हैवी फील आ रहा है। 1200 ग्राम इस बैट का वेट है दोस्तों। वाओ, पंच बहुत अच्छा है, आप बाउंस देख सकते हैं बॉल पर बैट पे। इस बैट का भी वेट चेक करते हैं दोस्तों क्या है। 1165 ग्राम्स है, जो मैंने पहले KLR अल्टीमेट रिव्यू किया है उसका वेट 1165 ग्राम है। नेक्स्ट बैट सेवेज फैमिली से है, सेवेज एडिशन। प्राइस देखते हैं सबसे पहले, 39899, 39,900 रुपीस। और डगबिन शेप में बैठा है, कॉन्केविंग है हल्की सी बैट में, एज अराउंड 39-40 mm के करीब होगा। फेस देखिए, ग्रेन्स बिल्कुल गढ़ी हुई हैं और क्लियर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स हैं। राउंड हैंडल में बैठा है, पंच प्यारा है और वेट देखते हैं क्या है इसका। 1165 ग्राम इस बैट का वेट है दोस्तों।
तो अगर ये बैट आपके कैटेगरी में, आपके बजट में और आप इसकी स्पेक्स आपके अकॉर्डिंग बनती हैं तो आप ये बैट ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर हमने इन पर दिया होता है, या आप मुझे इंस्टाग्राम से बिगी क्रिकेट पे भी रीच आउट कर सकते हैं हमें, या फिर हमारी साहिल सचिन ब्लॉग पे जो हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं वहाँ पे भी आपको हमारा नंबर बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगेन सेवेज एडिशन मिक्सचर ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड, हार्डवुड आउटसाइड पे है, बाहर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रेन्स हैं इस बैट में। प्रोफाइल फुल है इस बैट का, हल्की सी माइनस ही कॉनकेविंग है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ स्पाइन नहीं है, बट एज इसका 42 mm के करीब होगा दोस्तों। प्राइसेस देखिए कहाँ से कहाँ चले गए हैं भाइयों, बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। पंच वाइज इट इज अ वेरी गुड बैट। सनी टनी, सनी साहब का टनी देखिए, फेस बिल्कुल क्लियर है, गढ़ी हुई ग्रेन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स हैं। फुल प्रोफाइल है, स्पाइन यहाँ से हल्का सा उठा हुआ है, और हल्की सी कॉनकेविंग है बैट में। प्राइस 29,000 इस बैट का, जहाँ तक मुझे याद है ये बैट 17,000-18,000 या 20,000 की रेंज में हुआ करता था। 29,000, हल्की सी कॉनकेविंग है, बट इसको देखने से ये लग रहा है कि इसका पंच एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। वाह, हल्का सा जोर लगाया है, बॉल इसको कहाँ गई है। नेक्स्ट बैट है ट्रिपल क्राउन एक्सट्रीम, वाह बहुत प्यारा बैट है, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन में हार्डवुड है, हाफ में सैपवुड है, ग्रेन बिल्कुल गढ़ी हुई और सीधी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्रेन्स हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट इस बैट की मुझे लग रही है बिल्कुल स्ट्रेट ग्रेन्स हैं, ऐसा लगता है कि ये एक्सट्रीम में नहीं ऊपर की ग्रेडिंग में फॉल करना चाहिए था। प्रोफाइल फुल है, हल्की सी कॉनकेविंग है बैट में, और प्राइस है इसका 24,649 रुपीज़। इसका वेट बताऊँ अगर मैं आपको, 1165 ग्राम इसका वेट है। पंच वाओ, बहुत अच्छा पंच है दोस्तों। पंच मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, हो सकता है आपको साउंड अच्छी ना लगे, या लगे अच्छी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, बट ये हमारा ओपिनियन है और हमारा ओपिनियन ऑनेस्ट है, हम गलत या झूठा रिव्यू नहीं देते। किसी बैट का पंच अच्छा नहीं है, हम उसको ये ओपनली बोलते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगा। लास्ट बैट है इस बॉक्स का समीर टनी, इसके बाद मेरी एक हफ्ते की छुट्टी हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए फुल प्रोफाइल में बैट है, ये भी बहुत अच्छा बैट है, उससे मुझे बेटर प्रोफाइल लग रहा है इस बैट का। हेल्दी अगर मैं हेल्थ वाइज बताऊं तो इसके शोल्डर उससे बेटर लग रहे हैं, स्पाइन वाइज एजेस वाइज ये बैट मुझे उससे बेटर लग रहा है, और फेस देखिए फेस वाइज वो बैट बहुत 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 बेटर है इससे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्रेन्स इसमें 11 है, बट हल्के हल्के स्टार मार्क्स हैं। वाओ, साथ में हमारे शोरूम के बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो पंच के साथ साथ ठक ठक की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो दोस्तों मैंने ये सेकेंड पार्ट बनाया है, कुछ पार्ट कुछ वीडियो हमने कल शूट करी थी, बट हमारे कैमरा का मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया है, तो कुछ वीडियो लॉस्ट हो गए हैं हमारे से, हो सकता है हम वो रिकवर ना करके अपलोड ना कर पाए, तो जो पार्ट हमारे पास अवेलेबल है वो हम अपलोड कर देंगे। अब मैं एक हफ्ते तक टिल 23rd of September तक अवेलेबल नहीं हूँ, तो जो नई वीडियो शूट होंगी वो उसके बाद शूट होगी। मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ दोस्तों, कोशिश करूँगा कि वहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ। मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगा, व्हाट्सएप पे मेरा फ़ोन यहीं पे रहेगा स्टोर में, और आपको रेगुलर रिप्लाईज आएंगे, हो सकता है डिले हो जाए बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ सीरियस बायर्स सीरियस क्वेरीज को एंटरटेन किया जाएगा, तो जो सीरियस है प्लीज़ वही क्वेरी करें। मिलूंगा जल्दी ही आप सबसे, अब 24th को या 25th को। टिल देन गुड बाय, ओम शांति, थैंक यू सो मच।